तो जी कपड़े उतार लिए हैं, गेहूँ भी नीचे रखी आई हूँ और अब चलते हैं कपड़े लेके नीचे। अब वो तो देखो कैसे सूख गए हैं, रोज पानी लगाती हूँ रोज, गर्मी इतनी है ना। और देखो बारिश भी हो गई अभी दो दिन, लेकिन गर्मी बहुत बुरा हाल मचा रखा है। पानी देना अभी थोड़ी देर में आऊँगी क्योंकि अभी धूप ज़्यादा है। कपड़े उठा लेते हैं और पहले करते हैं गेहूँ साफ। गेहूँ साफ करने के बाद फिर उन्हें रख देंगे कट्टे में भर के और उसके बाद फिर पानी लगाऊंगी पौधों में। अभी तो मैं यहाँ बीच वाली मंजिल में करूँगी गेहूँ साफ, क्योंकि नीचे क्या है वो ऊपर बहुत धूप है अभी। कपड़े यहाँ रख देते हैं, जब नीचे जाएंगे तब लेके जाएंगे। दो काम एक साथ कर रही हूँ। गेहूँ ये यहाँ मैंने रख दिया, देखो अब छाज ली आती हूँ और इन्हें साफ करती हूँ, कट्टे में भरते हैं। तो जी गेहूँ साफ हो गए हैं और देखो ये रख दिए कट्टे में, ये रखे अभी दिखेंगे आपको। और कपड़े लेके जा रही हूँ नीचे, पौधों में पानी लगा दिया ऊपर भी नीचे भी। और यहाँ इस वाली बालकनी में ना मैं यहाँ से पाइप ले देती हूँ, ऊपर से कौन सी दिखवाई है, यहाँ से पाइप लेके और पूरी बालकनी में अच्छे से छिड़काव हो जाता है, पौधे धुल भी जाते हैं और पानी भी लग जाता है अच्छे से, बाल्टी भर के नहीं लाना पड़ता। ऊपर भी पाइप का जुगाड़ करूँगी कुछ। और जीने में थोड़ा देर से हो गया, 6:45 बज गया, दूध का टाइम हो गया और मैं 4:30 बजे गई थी ऊपर, तो अभी 6:45 बज गया, लगभग 1.25 घंटा हो गया। पर रानी पी रही है चाय, पी ली चाय? यस। चलो ठीक है, अब मम्मी दूध ले आती है फटाफट जाके। इसलिए मम्मी ने पानी नहीं पिया है?
मम्मी के लिए पानी। चलो अभी मैं दूध ले आती हूँ, पहले इतने कपड़ों को तय बना लो, प्रेस के कपड़े अलग कर दो, मम्मी आके प्रेस करेगी। ओके मॉम। पायल ने बना दिए हैं सारे कपड़ों की तय, प्रेस के अलग हो गए हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिया। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि चाय की इच्छा हो रही है। और आज है ट्यूसडे, तो आज सब्जी लेने भी जाना है और प्रसाद चढ़ाने भी जाना है, और खाने में क्या बनेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, चाय का दक रही है, आ जाओ पी लो। वैसे तो गर्मी होने लगी है, लेकिन मैंने 4 बजे ना ग्रीन टी पी ली थी, लेकिन दूध वाली चाय की ना जो वो होती है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, हुड़क वो आ रही थी, तो इसलिए अब मैंने दूध वाली चाय बनाई है। वैसे मैं अब 2 टाइम सुबह और शाम को ग्रीन टी भी ले रही हूँ, क्योंकि वेट ना थोड़ा अनलिमिटेड बढ़ गया है, तो कपड़े नहीं आएंगे फिर, तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि वेट घट जाए। इसके कपड़े नहीं आएंगे मम्मी के, टाइट ब्लाउज टाइट नहीं हो गया, रात साड़ी पहननी थी तो ब्लाउज टाइट आ रहा था। अब ये पत्ते क्यों लाए हो बेटा? ये बहुत सुंदर प्लांट है, ये वहां पे एक आंटी के पास खड़ा था, तो मैंने उनसे मांगा, उन्होंने दे दिया। तो रूट कहाँ है? इसमें बहुत जल्दी रूट आ जाता है। हरियाम हमारे तेरे सारे प्लांट ऊपर रखे। कोई बात नहीं। मम्मी जा, मैं नहीं जा रही। रात हो गई है, वैसे तो कितना टाइम हुआ, 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम है। अगर मैं इसे ऐसे ही रखूंगी तो मुरझा जाएगा, मैं इसको फटाफट लगा देती हूँ। और डिफरेंस दिखाऊँ मेरे पास जो है उसमें क्या है, देखो जो मेरे पास है ना, इनमें ये बीच में पिंक कलर आ जाता है, यहाँ डार्क है, यहाँ ग्रीन है। इसमें क्या है, इसमें ग्रीन है और ये पर्पल है, देख सकते हैं आप डिफरेंस। एक मेरे पास ये है, ये पूरा पर्पल कलर का है, ये बिल्कुल इसका डिफरेंट है, कोलियस ही है, कोलियस की ही अलग अलग वैरायटी हैं। और ये मैं जब भी उनके यहाँ से निकलती थी ना, मुझे बड़ा सुंदर लगता था, तो इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। कैसा लग रहा है बताना, अब मैं फटाफट लगा देती हूँ इसको। ये पौधे मैंने लगा दिए, एक इस गमले में लगा दिया छोटे में, छोटा ये एक गमला ये है, फिलहाल मैंने यही रख दिया। बस 2 पीस बनाए मैंने इसमें से, और जो इसके फालतू बड़े बड़े से पत्ते थे वो तोड़ के उधर रख दिए, खाद में काम आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल तो यहीं छोड़ देती हूँ, कल दिन में फिर छांव में रख दूँगी। 15 मिनट लग गए इस काम में, ये मेरा पागलपन कह लो या कुछ भी कह लो आप, पूजा के लिए भी लेट हो रहा, 7:15 बज गए। फटाफट में पूजा कर लेती हूँ, और देखो मैं प्रकृति की सेवा कर रही हूँ, सब में नारायण है, तो ये भी पूजा ही हुई, पेड़ में पौधे में जीव में जंतुओं में सब में नारायण ही तो है। तो चलिए अब देखो भगवान जी बैठे हैं, अब फटाफट पूजा करके भोग लगा देती हूँ। चलो जी पहले मुँह हाथ धो के पूजा कर लो, फिर मिलते हैं।